फाइनली हम लोग दीपा जी से मिल चुके हैं। हेटर जेडे ना माड़ा चंगा गलत ही बोलते, मैंने परवाह पानी जो यहाँ भरा घर आण के मिल जाते ना सीरियसली, मैं भी दिल में बड़ा ही ज्यादा सुकून मिलता। What's up beautiful people, this is Marty, आज की हाल चाल सत श्री अकाल। आज हम लोग ऐसे पौराणिक जगह में जाने वाले हैं, आपने सुना होगा पर देखा नहीं होगा और किसी ने आज तक कवर भी नहीं किया है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और सामने खड़े हैं हरमीत भैया, तो निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या रहस्यमय। पहले मेला लगा हुआ था यहाँ पे, रात को आया मैं और घूम भी लिया लेकिन जल्दी बंद हो गया था और यहाँ एक दो दिन के लिए मेला आता है। अभी हम लोग यहाँ पार्क कर दिए हैं बाइक और यहाँ पे अभी पहले गुरुद्वारा जाते हैं, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे और चलते हैं सामने ही है गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा का हिस्ट्री है और जिसको पंजाबी आता है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं और बाकी मैं हिंदी में बता दूँगा, तो अभी बताता हूँ आप लोगों को हिंदी में इसका क्या है। अमृत पीओ हो सदा तेरी जय हो, अमृत पीओ हो सदा तेरी जय हो, अमृत पीओ सदा तेरी जय हो, हर सिमरते दिखाया था और मैंने कहा था कि जिसको पंजाबी आता है वो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं हिंदी में भी बता दूंगा, तो वो रौनक भैया आप लोगों को बताने वाले हैं वहाँ का क्या स्टोरी है, क्या है, कैसे है करके, और जितना पता है उतना ही बताएंगे और बाकी उसके बाद हम लोग और कहीं जाने वाले हैं तो उसको भी आगे बताएंगे। तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया कि यहाँ एक मंदिर भी है और वो शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ आज से करीबन 600-800 साल पहले जब यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता था तो गुरु नानक देव जी भी यहाँ एक बार आए थे और यहाँ पहले से भी कई सिद्ध योगी रहते थे। तो जैसे ही गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो जितने भी यहाँ उनके भक्त थे, जितने भी यहाँ के लोग थे, वो उनका आदर सत्कार करने चले गए, उनका स्वागत करने चले गए और इसे देखकर यहाँ के जितने भी सिद्ध योगी थे उनको कह सकते हैं कि जेलिस सा फील होने लग गया, जेलिस होने लग गया उनको, और फिर वो भी चाहने लगे कि हम भी एक बार गुरु नानक देव जी का दर्शन कर लें। तो जब उन्होंने दर्शन करा तो आपस में उनके बहुत सारे बातें हुई, बीच में बहुत ही वार्तालाप हुआ और गुरु नानक देव जी ने कई अच्छी अच्छी शिक्षा दी उन योगीज को और कई अच्छी अच्छी बात बताए, जिससे कि वो जो भी यहाँ के योगीज थे वो भी बहुत प्रसन्न हो गए गुरु नानक देव जी से और वो भी उनके चरणों में गिर गए और उनके दर्शन किया। और यही है यहाँ का स्टोरी, जितना पता था वो सब बता दिया आप लोगों को। अभी हम लोग जाने वाले हैं शिव जी का मंदिर और वहाँ के भी कुछ बातें हैं, स्टोरी है, उसको भी हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो आप ब्लॉग को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये सब आप पहले ही बार देखने वाले हैं क्योंकि ये आज तक किसी ने भी कवर नहीं किया होगा। और यहाँ पे का ये मंदिर है दिखाऊंगा मैं आगे चल के, पहले तो अभी जोड़ा रखवाना है आपको, फिर जाएंगे मंदिर।
को हिस्ट्री पता चल चुका है। और मैंने कहा था घर से निकलते हुए कि मैं एक पौराणिक जगह में लेके जाने वाला हूँ, तो यही है वो एक पौराणिक जगह। और इसके हिस्ट्री के बारे में भी रौनक भैया को ही पता है, तो रौनक भैया आप लोगों को पूरा बताएंगे पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसा है। जैसे कि आप सभी ने देखा मंदिर, तो यही वो पौराणिक जगह है। महत्व के अनुसार कहा जाता है यहीं कि ये वही जगह है जहाँ पे कार्तिक भगवान, जो कि कार्तिकेय हैं, वो रूठ के यहाँ पर आके तपस्या करने लग गए थे। जब वो एक रेस में गणेश जी से हार चुके थे, जिसमें पूरी सृष्टि के 3 चक्कर लगाने होते हैं, पर गणेश जी ने अपने माता पिता के यानी कि शिव और पार्वती जी के जो चक्कर लगाकर विजेता बन चुके थे, तो इसी के कारण वो उदास हो गए थे कार्तिक भगवान और यहाँ आके तपस्या करने लग गए थे। तो वो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता कार्तिक जी को मनाने आए थे, और ये एक इकलौता, मैं कह सकता हूँ दुनिया का इकलौता जगह है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं के चरण पड़ चुके हैं। और ये बहुत ही पवित्र कह सकते हैं जगह है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता के यहाँ पे पद चिन्ह हैं, और यहाँ आके वो उतरे थे और कार्तिक भगवान को उन्होंने मनाया था और फिर यहाँ से वो लेके गए थे। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे आप आ सकते हो अगर आप आना चाहो तो। वैसे ये पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? ये बटाला शहर में पड़ता है, पंजाब, जो कि पंजाब के, जो कि अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर है, और यहाँ आप आ सकते हैं। और आई थिंक सो किसी ने यहाँ कवर किया होगा, और ये आप पहली बार यहाँ देखने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता आए थे, यहाँ उतरे थे और कार्तिक जी को मनाकर लेके गए थे यहाँ से। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी बज रहे हैं 5:00 PM और अब हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे एमी भैया सामान लेने गए थे, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। जहाँ जा रहे हैं घर से 10 किलोमीटर है, अभी निकल चुके हैं घर से। फाइनली हम लोग दीपा जी के घर पहुंच चुके हैं, और हम लोग का फ़ोन नहीं उठा रहे थे बहुत टाइम से, तो मैं सैड हो गया था और मेरे को लगा कि घर जाना चाहिए, ऑफिस अब नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके, और इतना थोड़ा फिर ख़राब लगा एकदम से, फिर घर जाएंगे मिलेंगे नहीं। तो अभी फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ सामने दीपा जी का घर है, यहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी चिल्लाते हैं उनको। और भैया जा चुके हैं अंदर जो हमको लेके आए हैं, देखते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। दीपा जी यहाँ पे दीप पाजी, सत्रीकाल पाजी, सत्रीकाल, क्या हाल है महाराज? यकीन ही नहीं हो रहा है आपसे मिलके मेरे को। फाइनली हम लोग दीप पाजी से मिल चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था और थोड़ा सा सैड हुआ था, अब ठीक लग रहा है क्योंकि मिल चुके हैं। और अंकल आंटी जी से भी आपको मिलाएंगे, यहाँ पे अंकल जी हैं और दीपा जी के फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, और आंटी जी किचन में अभी बिजी हैं, तो उनको अभी मैं आवाज मारता गल ही कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सानू मिलने वास्ते आया। कितने बिजी आए तुसी? छत्तीसगढ़ साउथ साइड ते पेंदा वा, मध्य प्रदेश दे नाल छत्तीसगढ़। मैं एक गल कहनी चाहना, चलो हेटर जेड़े ना माड़ा चंगा गलती बोले, मैंने परवाह पई नहीं, जदों इहो जिहे भरा घरे आण के मिल जांदे ना सीरियसली, लै भी दिल नूं बड़ा ही ज्यादा सुकून मिलदा भी एड्डी दूर भरा चाहुण वाले पंजाब तो 2500 किलोमीटर। बल्ले बल्ले, 2500 किलोमीटर तो भरा मिलने वास्ते आया। तो वीर ने मैंने इंस्टाग्राम से मैसेज किया, वीर जी मैं तुहानू मिलना आया, तो मैं उसे टाइम ही वीर के मैसेज सीन किए, मैं जवाब दिता जी भाजी ने, मैं अपने व्हाट्सएप वाला नंबर दे दिता उसे टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक गल कहनी चाहना भाजी, मेरा नंबर किसी ने नहीं देना, पर जिन्हें मर्जी नहीं नहीं मर्जी मंगी, ठीक है, किसी को नहीं देना, ठीक है, भाई सगा भरा भी नहीं देना, ठीक है। हां मम्मा मैं तुहानू मम्मी ने देना पहला मिला देना, ठीक है, मम्मी आए 2 मिनट। दीप भाई ने मम्मा, उनकी मम्मी से भी अभी मैं मिल चुका हूँ, और बहुत ही ज्यादा मैं इनको इंस्टाग्राम पे रील पे देखा करता था, और बहुत ही अच्छा बनाते हैं और ट्रेंडिंग में चलता है इनका रील। और दीपा जी भी उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका फैमिली एकदम मिलनसार है, जो मिलनसार जैसे होते हैं उस टाइप से फैमिली है। दीपा जी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अब बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, एक्साइट।
ਕੱਟਿਆ ਯਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਟੋਪ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਮ ਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਾ ਦੀਪ ਮਠਾਰੂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦੇਖਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮ ਲੋ ਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਪਹਿਰ ਬੂਟੀ ਮਸਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਕਦਮ ਅਲਗ ਹੀ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਗਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਮੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਹੀ ਪਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਏ ਪਿਲਾਇਆ ਹਮਕੋ ਜੋ ਚਲਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਚਾਏ ਹੀ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਖ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕਦਮ ਸਬਸੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈ ਦੀਪ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਇਨਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋ ਅਭੀ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਘਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ अभी बज चुके हैं रात के 11 और 7 बजे मैं दीपा जी से मिल के आ चुका था और 2500 किलोमीटर दूर से आके पंजाब मेरा सक्सेस हुआ है ना। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा और सुबह डाल दूँगा, सुबह का शेड्यूल डाल दूँगा। तो वीडियो का यही एंड करते हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें बटन बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय 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 बाय।